हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पीजीए व्यंजक। क्लास सिक्स का टॉपिक है। पहले भी हम कई वीडियोस इस पे कर चुके हैं बीजगणित की अवधारणा पर, और आज का जो हमारी एक्सरसाइज है वो है सिक्स बी। हम सिक्स बी में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, सजातीय पद छांटिए। एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हम क्या करेंगे कि हम जानेंगे कि सजातीय पद या विजातीय पद क्या होते हैं। दो तरह की चीजें हैं, एक तो सजातीय पद और एक है हमारा विजातीय पद। सजातीय पद और विजातीय पद को हम साधारण भाषा में समान पद और असमान पद भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में ये हम कहते हैं, सजातीय पदों को हम कहते हैं लाइट टर्म्स, और इंग्लिश में विजातीय पदों को हम कहते हैं अनलाइट टर्म्स। तो सजातीय पद, समान पद या लाइट टर्म्स क्या होती है, जैसे कि नाम से क्लियर है, सजातीय को साधारण भाषा में हम हिंदी में क्या बोलते हैं, समान पद। समान पद क्या होते हैं, जो पद एक जैसे हैं, जो पद एक जैसे हो वो क्या होंगे, हमारे सजातीय पद होंगे। अब समान पद कौन से होते हैं, हम एक एक पद को ऑब्जर्व करेंगे, एक एक पद को देखेंगे ध्यान से कि किसमें क्या समानता है और क्या डिफरेंस है। जैसे पहला पद है हमारा 6x2y, यानी कि इसके अगर हम सारे जो इसमें हमारी अक्षर संख्याएं यूज हुई हैं उन्हें हम देखें तो क्या है कि 6 हमारा यहाँ गुणांक है, x की घात है हमारी 2 और 1 है y। अगला जो पद है हमारा वो है -6xyz, यानी कि माइनस का 6 इसमें गुणांक है और जो हमारी अक्षर संख्याएं हैं वो क्या क्या है, x, y, z। उससे अगला पद 8x2y, 8 हमारा इसमें गुणांक है और हमारी जो अक्षर संख्याएं हैं x2y, और इसी तरह से माइनस के साथ गुणांक है और xyz। अब इसमें जब हम सजातीय पद छांटते हैं या सजातीय पद हमें ढूंढने को बोला जाता है तो हम क्या देखते हैं, हम गुणांक को मेंशन नहीं करते, गुणांक को नहीं देखते, हम देखते हैं कि हमारी अक्षर संख्याएं क्या क्या है। जैसे इसमें x की घात 2 है और 1 y है, इसका सजातीय पद कौन सा है हमारा, इसका सजातीय पद है x8x2y। तो ये दोनों जो पद है हमारे, ये और ये आपस में एक समान पद है, लाइट टर्म्स है। और जो दूसरा है हमारा -6xy, वो किसका सजातीय पद है, वो है माइनस के साथ xyz का। अब दूसरा क्वेश्चन है -3pq -5pq² 4q² p 9qp। अब इसमें एक pq है, यहाँ pq स्क्वायर है, यहाँ q स्क्वायर p है और यहाँ qp है। अब इसमें क्या है कि ये जो pq वाला है ये सजातीय है किसके, ये पद माइनस का 3pq किसका सजातीय है या किसकी लाइट टर्म है, ये है 9qp की। अब एक चीज है, यहाँ तो pq है और यहाँ qp है, तो ये सजातीय कैसे हो गया, जैसे कि 3 × 2 करें या 2 × 3 करें, दोनों चीजें क्या होती है, बराबर 6। इस तरह से चाहे हमारा पद इस तरह से लिखा हुआ हो PQ या QP, ये दोनों चीजें एक समान है, यानी कि QP में गुणा ही कर रहा है दोनों कंडीशन में। इसी तरह से ये है PQ स्क्वायर और Q स्क्वायर P, इसमें भी पलट के लिख दिया गया है, Q स्क्वायर इसमें पहले है और P बाद में है, वो ही सेम कंडीशन है। तो ये दोनों टर्म्स हमारी लाइट टर्म्स है और ये दोनों टर्म्स हमारी एक दूसरे की सजातीय पद है या लाइट टर्म्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सजातीय युग्मों पर सही का टिक लगाइए। अब सजातीय युग्म क्या है, यहाँ 5x-3x, यानी कि अक्षर संख्या हमारा क्या है, x है, बीज क्या है हमारा x है, यानी कि हमारी जो चर राशि है वो क्या है, सिर्फ x है, उसके गुणांक क्या है, 5 और -3, गुणांकों से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि यह हमारा सजातीय युग्म है, ये हमारा राइट है। और 3ab7a², यहाँ a की घात कितनी है, सिर्फ 1 है, और b की घात कितनी है, 1 है। लेकिन जो नेक्स्ट पद है हमारा, जो नेक्स्ट टर्म है, उसमें क्या है, हमारा a की घात 2 है और b इसमें है ही नहीं, यानी कि b की घात कितनी है, 0 है। तो ये जो पद है हमारा, ये क्या है, हमारे लाइट टर्म्स नहीं है, सजातीय पद नहीं है। अब अगला क्वेश्चन, b² ac a b² c, हमें क्या देखना है,
हमें जो हमारी अक्षर संख्याएं हैं उनकी घात देखनी है कि कितनी घात किस पे है और कौन सी, कोई ऐसी अक्षर संख्या तो नहीं जो एक पद में है और दूसरे में एब्सेंट है। अब इसमें पी की घात है दो और इसमें भी पी की घात दो है, एक ही घात एक, यहाँ भी एक ही घात एक, सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है। तो ये कैसी टर्म है हमारी, ये है हमारी लाइट पर या सजातीय पद या दूसरा समान पद। ये एक्सरसाइज में सिर्फ दो ही क्वेश्चन थे, यहाँ से आशा है कि ये एक्सरसाइज सजातीय और विजातीय पदों का छांटना क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।